नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूँ आपके साथ स्मृति। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। करोड़ों की लागत के टेंडर से उल्लास नगर शहर में साल में 3 बार नाले की सफाई का प्रावधान है। हाल ही में साल की दूसरी बार नाले की सफाई की गई, लेकिन नाले की सफाई किस प्रकार की जाती है इसकी तस्वीरें सामने आई है। अधूरी सफाई के कारण उल्लास नगर रेलवे स्टेशन के पास गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। इसी विषय में शहर के नागरिक अपनी व्यक्तिगत राय प्रशासन से व्यतीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना इस विषय पर बाबू ममतानी का। जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है शिकायतें हैं और नाले सफाई को लेकर जिस तरीके से जो की 3 बार सफाई कर चुके हैं, लेकिन ये जो नदी थी पहले भी नाला बन चुकी है, बहुत से लोगों ने आजू बाजू में जगह ले ली है और जो ये कचरा जमा है, बारिश आने वाली है अभी, मेरी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि नाला जल्द से जल्द सफा कराए, क्योंकि इसकी जो गंदगी फैलती है लोगों को बीमार करती है। बाजू में चांदी में कॉलेज है जहाँ से लेडीज लड़कियाँ बच्चे सब गुजरती है, स्टेशन से ट्रेन स्टेशन है बाजू में, वहाँ से लोग गुजरते हैं आते जाते हैं, किसी ने भी शिकायत नहीं की। सबको करने चाहिए, व्हाट्सअप आपके हाथ में है, जो आपके बाजू में कारपोर्टर है उनका ध्यान खिंचाना चाहिए। और ये 12 नंबर पैनल में जो फोटो दिखाते घड़ी घड़ी अपना चेहरा दिखाते हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका वार्ड में आ रहा है ये, उनको करना चाहिए सबसे पहले कचरा साफ। यही कचरा वही है जो 4.25 लाख का 8.5 लाख में कोणार को बेचा गया है। कचरा खाने वालों थोड़ा ध्यान दो, कचरे का माल खाओ लेकिन कचरा तो सफा करो। ये वही है टेंडर जिसके लिए पूरे शहर में थू थू हो रही है कारपोर्टरों की, जिस चेयरमैन ने साइन किया है उसी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कचरा लोग क्या लोग वो बदबू आ रही है, गंदगी हो रही है और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सबसे पहले कचरा उठना चाहिए, बारिश के आने की संभावना है और कारपोरेटरों ध्यान दो। जो जो कारपोरेटर ने टेंडर में साइन किया है सबसे बड़े गलत काम हुआ है, थोड़ा इसका भी कचरा बेच के इसका भी टेंडर खा जाओ, खुशी होगी, क्योंकि ये शहर तो बचने वाला है नहीं, ख़त्म कर दिया ऑलरेडी। शहर के लोगों को सोचना चाहिए आपके पैसे को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे सत्यानाश की जा रही है, और आते इलेक्शन में वोट मांगते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं। मेरी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जानकर देखिए कि कैसे ये लोग मिसगाइड करते हैं, और जब इनको कुर्सी मिलती है तो कैसे पैसे की लूट मार करते हैं, सामने वालों को भी देते हैं और खुद खाने के लिए भी साइन कर देते हैं, जैसे कचरे का टेंडर का साइन हुआ था। धन्यवाद। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।